I love you, Prachi. I love you too, Ranbir. Ranbir Prachi ka izhare ishq. फिर से छिड़ी अभी प्रज्ञा के बीच बहस। तो तुम जाकर शादी रखो। रणबीर प्राची से शादी कर रहा है। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो रिया से प्यार करता है। अरे वो प्राची ने उसे बहका होगा कि वो उससे शादी करे ना, तुम जाकर शादी रोको। नहीं नहीं प्राची ऐसा नहीं कर सकती। तुम हमेशा मेरे बात के अगेंस्ट क्यों जाती हो? आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस कह रही हूँ कि तुम वो सब छोड़ो ना, तुम जाकर शादी रोको। मैंने प्रॉमिस किया रिया को कि मैं रणबीर को लेकर आऊंगा। जस्ट गो फास्ट। जी। अपनी चाल में कामयाब होती तनु। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, रणबीर रिया को छोड़ के प्राची के पास चला गया है। I'm worried for रिया। Where is प्रज्ञा? वो रिया को संभाल क्यों नहीं रही है? वो यहाँ होती तो कुछ करती ना। वो बाहर गई है कुछ शॉपिंग करने। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे रिया की बहुत टेंशन हो रही है। कुछ नहीं होगा रिया को, मैं आ रहा हूँ। ठीक है अभी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। रणबीर शिव मंदिर क्या है? प्राची के साथ शादी करने, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में लगता है फिर से अभी और प्रज्ञा के दूर जाने की बारी आ गई है, और इस बार उनके अलग होने की वजह बनेंगे प्राची और रणबीर। असल में रिया और रणबीर की शादी होने वाली थी, लेकिन प्यार के आगे मजबूर रणबीर पहुंच गया प्राची के पास अपने दिल का इजहार करने। वही तो कर रही है, और तुम्हारा सैक्रिफाइस किस काम का? तुम उसकी खुशी के लिए कर रही हो, अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर रही हो। एक बार सोचो, अगर मेरी बाय चांस रिया से शादी हो जाए तो क्या मैं उसे कभी खुश रख पाऊंगा? कभी भी। उल्टा मैं उसको हर दिन जिंदगी के जाके सिर्फ कोसूंगा, क्योंकि उसने तुम्हें और मुझे अलग कर दिया। क्या तुम्हें लगता है वो खुश रह पाएगी सबके बाद? नहीं रहेगी। तो उसे कभी प्यार नहीं दूंगा, और ये देख के कभी उसके माँ बाप भी खुश नहीं रहेंगे, तो तुम्हारा ये सैक्रिफाइस किसके लिए है? प्राची अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारे पास बस एक मौका है। अगर तुम मुझे अपना लोगी ना, तो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएगी। देखो मैं समझता हूं, अगर तुम ये कह सकते हो कि मुझ में कुछ कमी है, मैं मान लूंगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, और तुम भी एक ऐसा लड़का डिजर्व करती हो जो बहुत अच्छा हो। तो मैं मान सकता हूँ कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन एक चीज मैं वादा करता हूँ कि मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, मरते दम तक खुश रखूंगा। और अगर तुम मुझे नहीं मिली ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। I love you, Prachi. I love you too, Ranbir. और इस बात का फायदा उठाया है तनु ने, जिसने अभी को फोन करके प्रज्ञा और प्राची के खिलाफ भड़का दिया। अभी कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, रणबीर रिया को छोड़ के प्राची के पास चला गया है। I'm worried for रिया। Where is प्रज्ञा? वो रिया को संभाल क्यों नहीं रही है? वो यहाँ होती तो कुछ करती ना। वो बाहर गई है कुछ शॉपिंग करने। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे रिया की बहुत टेंशन हो रही है। कुछ नहीं होगा रिया को, मैं आ रहा हूँ। तनु की चाल तब कामयाब हुई जब अभी ने तनु की बातों में आकर प्रज्ञा को फोन लगा दिया और प्राची के खिलाफ बोला। क्या? क्यों? कहाँ है वो? वो ग्रेटर कैलाश वाले शिव मंदिर में। मैं उस मंदिर के पास ही हूँ। तो तुम जाकर शादी रखो। रणबीर प्राची से शादी कर रहा है। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो रिया से प्यार करता है। अरे वो प्राची ने उसे बहका होगा कि वो उससे शादी करे ना, तुम जाकर शादी रोको। नहीं नहीं प्राची ऐसा नहीं कर सकती। तुम हमेशा मेरे बात के अगेंस्ट क्यों जाती हो? आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस कह रही हूँ कि तुम वो सब छोड़ो ना, तुम जाकर शादी रोको। मैंने प्रॉमिस किया रिया को कि मैं रणबीर को लेकर आऊंगा। जस्ट गो फास्ट। जी भाई, अब आगे देखना होगा कि क्या प्रज्ञा अपनी एक बेटी को खुशी देने के लिए दूसरी बेटी को दुखों की खाई में ढकेलेगी या नहीं। आज तक ब्यूरो।